मेरा नाम तो अब्दुल करीम भी है। लोगों को आने के लिटिल करीम से दुनिया को जानते हैं सर। बिल्कुल। तो मेरे वक़्त था उस वक़्त में ये वहाँ ये पहाड़ों पे जाने का बहुत मुझे वो था। तो वक़्त सर ये तालीम नहीं हो गए तो मार के वहाँ कब्र में जाना ही अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं हर जगहों पर घुमाया, अमेरिका से लेके यहाँ, यूरोप से लेके वहाँ, ये नेपाल से लेके पूरा हमने घुमाया सर। क्योंकि घुमाने का इतना वो मज़ा नहीं था, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हो गया ना सर। वहाँ तो लिख के बगैर तो वहाँ एक कदम ही हिल नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए लोग एक वो भी आया था वहाँ का भी एक जर्नलिस्ट है कि करीम सबसे अच्छा ही पूछे से यहाँ अच्छा है नहीं है, ये पेरिस अच्छा है नहीं है। बोला मैंने कहा आपके लिए तो अच्छा है, हमारे लिए केटू चढ़ना मुझे आसान है, पेरिस में फिरने के लिए तो हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? तो वो हंसने लगा, इतना खूबसूरत जगह से तो वो क्यों आप वो होते हैं। तो ये तालीम की वजह से सर, वरना पेरिस तो बहुत खूबसूरत है। तो ये होता था तो अल्लाह के फजल से मैंने भी वहाँ रोया भी है, बाहर में तालीम नहीं हो बहुत रोया। तो फिर अल्लाह के फजल से अभी ये एनजीओ की एक रवाज आ गया वाले, उन्होंने इनकी मेहरबानी जो है ना, अभी ये सो जितना ये हमारा ख्वाब में ही नहीं था, इतना बच्चे हो जाएगा, इतना बच्चे ने पढ़ाएगा, हमारे ख्वाब में ही नहीं था। तो अल्लाह की अल्लाह को शुक्र है, इनकी मेहरबानी हो, इनको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे दे, उनको अच्छाई हो जाए, हम लोग यही दुआ कर सकते हैं। तो उन्होंने की वजह से जो है ना अभी तक किसी सारे जो है ना फीस तालीम में जो है ना अभी अल्लाह के फजल से बहुत आगे निकला है। पहले पहले हमारे यहाँ वो भी था, वो ख़वातीन जो है ना स्कूल में ही नहीं भेजता था, यहाँ का वो गवर्नमेंट का जॉब वाले कोई नहीं है, खाली ये माउंटेनियर है, खाली ये गाइड है, कुक है। तो हमने पहले से भी उनको सिखा के यही उनको वो था। तो अल्लाह के फजल से अभी इस चीज़ के लिए तो बाल बच्चे सबको रोज़गार हो रहा था। तो इस साल ये तो एक दाना ही नहीं आया, तो इस साल थोड़ा सा वो देने वाला तो ज़ात है, क्योंकि इस साल थोड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि साल के बाद जो है ना कोई टूरिस्ट ना आ गया, तो क्योंकि टूरिस्ट आके बगैर तो हमारा यहाँ गुजारा नहीं होते सर। तो बस ये गरीब लोग है, एक भी वहाँ जाने का कोई किसी के पास वो नहीं है सर, सहूलियत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना ये टूरिस्ट ना आ जाए, ये इनके तरफ से जो जितना जो है ना ये स्कूलों में इनकी तरफ से मदद ना हो जाए, ये सारा बैठाते हैं सर। क्योंकि यहाँ बड़े तालीम वाले कोई नहीं है, अभी अल्लाह के फजल से अभी बच्ची और बच्चे निकल गया है। तो ये अरफान वालों की मेहरबानी है, अभी ज़्यादातर इनके बच्चे बहुत ये ख़वातीन के लिए, क्योंकि लड़कों से भी ख़वातीन सबसे हम इनके ऊपर जो है ना
बहुत वो था, तो इनकी मेहरबानी सबसे ये बच्चों के लिए उन्होंने बहुत नज़र रखा हुआ है, ये बहुत बहुत सबसे इनको शुक्रगुजार करता हूँ।